Puran presents Comedy Circus Ke Super Stars. देश के कोने-कोने में जब भी कोई इंसान हंसता है, तो सबको पता होता है कि आ गए हैं कॉमेडी के सुपरस्टार्स। लेकिन आज देश के सुपरस्टार्स सिर्फ देश नहीं, विदेश के रंग भी दिखाएंगे, क्योंकि आज है हमारा देश-विदेश स्पेशल। लेकिन देश-विदेश की महायात्रा शुरू करने से पहले बुलाते हैं उन्हें जो देश में हंसती हैं तो विदेश तक गूंजती है। इंडिया की इंटरनेशनल हंसी अर्चना पूरन सिंह। कम हंसते हैं, ज्यादा हंसाते हैं, मार धार के लाफ्टर को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं रोहित शेट्टी। आज हर जोड़ी में देसी देगा विदेशी को टक्कर, यानी कॉमेडी की वर्ल्ड वॉर होगी जमकर। और इस वॉर के एंड में आज एक और जोड़ी हो जाएगी एलिमिनेट, यानी पांच जोड़ियों में से आज हो जाएंगी चार। और हर जोड़ी है तैयार, तो शुरू किया जाए देसी वर्सेस विदेशी। देश की मिट्टी से विदेशी सिटी जा रहे हैं सुदेश। अब उनके बाय बाय से वेलकम तक के सफर को कृष्णा कितना यादगार बनाते हैं, कितना हैरान परेशान करते हैं उन्हें, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज हिमसेल्फ एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। ताली भी आ रहे हो, हीरे मोती से पेट थोड़ी भर जाता है बंदे का। मैं तो कहता हूँ गरीबों को परमात्मा दो वक्त की इज्जत की शराब दे दे। एक दिन चिकन नहीं भी मिलेगा हफ्ते में तो क्या है, मर थोड़ी जाऊंगा, मैं मीट खा लूंगा। मैं हैरानगी होती है अर्चना जी मुझे, कुछ लोग पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी बॉम्बे तो कभी गोवा, कभी गोवा तो कभी हैदराबाद। मुझे सॉरी आप नहीं, मुझे पता नहीं था आप भी जा रहे हो। नहीं मेरी फीलिंग कोई तो समझे यार, आपको तो समझ आएगी नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कहीं बाहर चला जाऊँ, अमेरिका वगैरह। मैंने सुना है वहाँ पे रोटी के साथ साथ बोटी भी मिल जाती है। बोटी से मुझे याद आया, बोटी बिल्लो। मेरी नचदी ते खुल गए बाल, पग मेरी खुद कर ले, मैनू चढ़िया मैनू चढ़िया मैनू चढ़िया सोलवा साल, पग मेरी। एक मिनट। हेलो, फ्लाइट 15 मिनट लेट हो सकती है। हाय हाय, क्या मतलब है तेरा? नहीं मैंने सोचा नहा के चला जाऊं, बाहर जा रहा हूं ना। हाय हाय, कैसा पति है मेरा देख लो, पूरा मोहल्ला इस ताक में है, हाँ? कि मेरे घर में घुस जाए, और मेरा पति देखो बेवकूफ खुद बाहर जा रहा है। यार पैसे कमाने जाने ही पड़ता है। अब जाती बार तू टीका तो लगवा ले, मुझे पता है आती बार कलंक का ही लगवा के आएगा। बकवास ना कर तू। हाँ मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब मुंह मीठा कर ले। तुम भी कर लो ना ले यार। अच्छा बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो, मीठा तो ठीक है, जरूरी चीज बोल रहे हो तुम। ये जरूरी चीज दे के छोड़ेगी, चल आ जा, दे दे। हराम जादे, बिना पासपोर्ट के अमेरिका जाएगा तू, ये ले पासपोर्ट। ओए, ये तो कृष्णा का है। ओहो, लगता है आज गलती से पैसों की जगह पासपोर्ट रख गया वो। क्या कहा? मुझसे हराम जादे की ये हिम्मत? पैसों की जगह वो पासपोर्ट रख गया। अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है ना, एक बात बताऊं तेरे को, वो स्मार्ट है। कोई लड़की मेरी तरफ नहीं देखती, सारी उसी की तरफ देखती, यहाँ तक के रोहित शेट्टी फिल्म के लिए भी उसको ही मना करता है, मेरे को नहीं मना करता। तू जा रहा है? जाना पड़ेगा। सच्ची जा रहा तू? तू सी ना जाओ। जाना पड़ेगा। तू क्यों जज्बाती हो रही, मैं मर थोड़ी में आ जाऊंगा वापस यार। हंस क्यों रही है तू?
कहते हैं जाति बार अपने पति को हंस के विदा करना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? जाना मैंने है एयरपोर्ट पे। हम जाते एयरपोर्ट तो यहाँ आ जाएगा, कैरेक्टर मुझे चेंज करने होते हैं। टिंग टोंग। अमृतसर से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के सभी यात्री विमान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सिर्फ एक हरामजादा सुदेश नाम का आदमी अभी भी अपने घर पे है। हरामजादे जल्दी आ जाने तो फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। इसमें बैठना यार, कहाँ है जहाज, किधर है? तू क्यों डर रही है? तेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? इतना ही खुलता है। सॉरी, मैं ना भूल गया था, आप चीनी हो ना, आपकी आंखें बंद ही रहती हैं। चीनी लोग का बाहर से आंख बंद होता है, अंदर से खुला होता है। इंडियन लोग बाहर से खुला होता है, अंदर से बंद होता है। शेट्टी साहब मैसेज भी देती है। अरे सुनो, आप इंडिया गए थे, इंडिया में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? वेरी गुड पीपल। हाँ जी, वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के लोग बहुत अच्छे। नो, पीपल का पेड़, ग्रीनरी। लो ज्यादा मैसेज ना दे। शेट्टी साहब ने मैसेज के इतने नंबर नहीं देने जितने अर्चना ने काट लेने। देखिए ना, यू नो इंडिया में सबसे खराब कुत्ता। बकवास, तुम इनसे बात कर। कुत्ता कुत्ता बहुत है, कुत्ता बहुत है। तो तुम्हारे चाइना में कुत्ते नहीं होते? नहीं है, अभी तो खाने को भी नहीं मिलता। खाने के लिए क्या क्या है? मक्की का रोटी। वाह वाह, देखो पहचान लेती है, चाहे चीनी है पंजाबी बैठा, मक्की की रोटी। वाह। नो, मक्की फ्लाई। साथ में सब्जी वगैरह क्या है? मूंगी का दाल। वाह, मूंग का दाल। नो, मूंगी एंड मूंगी का दाल। ये कैसी एयर होते है यार, मैं वेज में आइटम मांग रहा हूँ तो ऐसी ऐसी दे रही है, अगर मैं नॉन वेज में मांगूंगा तो क्या देगी? गटर चिकन। ची ची नहीं, कॉकरोच का चटनी के साथ बहुत अच्छा है। फ्रेश फ्रेश चटनी। ये देखो, ये देखो। इधर इधर इधर। तेरी शादी हो गई? शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया। ओह क्यों? मेरा पति को डायबिटीज हो गया। डॉक्टर बोला चीनी से दूर रहना, तो हमको छोड़ दिया। हेलो हेलो, मामा, तेरी माँ का सखी ना का। अरे मेरी बात सुनो, रोती क्यों हो तुम? ऐसे पानी पियो। ना ना, तुम पियो, तुम्हारी माँ का लो। ऐसे हिम्मत रखो, हिम्मत है तो जा। ये लो, कैसा लगा खाना लिख दो। अभी मैंने खाया कहाँ है यार। है? पिये तो है ना। नहीं, ये तो कोल्ड ड्रिंक है ना। ये कोल्ड यूरिन है। कैसा मूड खराब कर दिया इस औरत ने यार, है? चलो शुक्र है अमेरिका पहुंच गए हैं। मैंने सुना है अमेरिका में स्टार को लड़कियां ना चिपकती हैं ऐसे, ऊपर गिरती हैं। मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरी तो चुमियां लेंगी। अगर लड़कियां ज्यादा हो गई तो एक एक को तो मैं मिल नहीं सकता। रोहित जी माफ करना, गाना गाना ही पड़ेगा। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, हमें गोरी गोरी इन बाहों में उठा लो, कहीं हम गिर ना पड़े। अरे 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 बेटा, सुदेश लहरी। यार हिंदी
वो कहीं प्लेन वाला फिर हमें इंडिया तो नहीं छोड़ गया? नहीं नहीं अमेरिका है बेटा, अमेरिका। अमेरिका में हूँ मैं? हाँ। यानी कि यहाँ मैं फेमस हो चुका हूँ? अब कृष्णा के साथ आओगे तो फेमस तो हो ही जाओगे। बेटा एक बात कहूँ? हाँ। भले कृष्णा टीवी पे सुंदर लगता हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो तुम बदसूरत लगते हो। आंटी बेस्ती ना कर मेरी। बेस्ती से याद आया, राजीव ठाकुर आया था अभी शो करने के लिए, बड़ा मारा उसको। क्यों? सलोनी के बिना ही आ गया था वो। क्या हुआ? कृष्णा के बिना आ गया। अरे ना ना तुम ना फिकर करो, तुमको कोई नहीं मारेगा यहाँ पे, क्योंकि कृष्णा तो तुम्हें खुद ही मार लेता है। ऐसे, ऐसे, ऐसे। बताओ कृष्णा आया क्यों नहीं? वो सीक्रेट है थोड़ा सा, वो आजकल इंडिया में ना सुरेंद्र बंद के शो कर रहे हैं। अच्छा, तो सुरेंद्र को कृष्णा बना के यहाँ ले आओ कभी। सुरेंद्र भी बहुत टैलेंटेड है वैसे। अच्छा? हाँ सच्ची में देखो, बजाता बहुत बढ़िया, बजा भे। इसको पता नहीं है। हाँ। ये सुरेंद्र नहीं, यही तो कृष्णा है। हाँ? यकीन नहीं आता? नहीं। अभी कराता हूँ। ताकी और ताकी और ताकी 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 जगह। अच्छा बेटा एक बात बताओ। हाँ? यहाँ कहाँ रुके हो तुम? मैं अभी फोन आया था ऑर्गेनाइजर का, कहते 5-स्टार होटल में ठहराएंगे मुझे। अरे ना ना भैया, तुम भी पंजाबी हम भी पंजाबी, है? हम घर पे रुकेंगे और तुम होटल में? ना ना मैं भी होटल में चलूंगी। ओ, वो यहाँ आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। अच्छा यहाँ आ रहे हैं? हाँ। अच्छा बेटा एक ऑटोग्राफ दे दो ना। आप जा रहे हो ना मेरे साथ होटल? हाँ। तो वहीं जाके ले लेना। अरे बेटा बुढ़ापा, क्या पता, वक्त का कोई पता नहीं कब मर जाए तू। या तो अर्चना ये होता है कॉमेडी सर्कस से प्यार, ये होता है। नहीं कॉमेडी सर्कस से प्यार नहीं है, एक बहुत लंबा किस्सा है। क्या? जब मैं जवान थी। हाँ? तो VIP यहाँ शो करने के लिए आया था, ऐसी परफॉर्मेंस दी उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आज उसकी परफॉर्मेंस 6 साल की हो गई है। स्कूल में पढ़ती है बेटा, अगर तुम शो के लिए ना आए होते ना तो मैं तुम्हें ज़रूर कहती कि मुझे बम्बई ले जाओ और उससे मिलवा दो, उससे शादी करवा दो। आंटी शो को मारो गोली, शो तो और मिल जाएंगे, VIP को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आओ नहीं तो उसने फाइनल में पहुंच जाना। ये बैठा रहा कहाँ चला गया? अरे पहले आशीर्वाद तो ले लो, 11-11 नंबर दे के शगुन दो काम कर। हाँ बेटा दो। तो अर्चना कैसा लगा इनका ये एंटरटेनिंग देश से विदेश का सफर? आई एम सो ग्लैड टू सी बोथ ऑफ यू बैक ऑन दिस स्टेज अपने सही अवतार में। वो जापानी वो चाइनीज वाला तुमने बहुत अच्छा किया कृष्णा, वेरी गुड। लाइक आई सेड नॉट अ परफेक्ट एक्ट, लेकिन इसमें वो सब था जो एक अच्छे और कृष्णा सुदेश एक्ट में होना चाहिए। सो हैट्स ऑफ, वेरी गुड। रोहित, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कृष्णा की, आपने अपने आप को रिपीट नहीं किया, नए कैरेक्टर्स लेके आए, बट आप लोगों के परफॉर्मेंस ने बचा लिया इस एक्ट को, दैट्स ऑल। थैंक यू। तो जजेस ने कमेंट्स तो अच्छे दे दिए, अब देखते हैं स्कोर्स कितने अच्छे देखते हैं। अर्चना, अफसोस मैं शगुन के नजदीक नहीं आ सकती, लेकिन दैट्स अ परफेक्ट एंड। रोहित, That's a 19. Welcome back to Vodafone Presents Comedy Circus Ke Superstars. Lagan Rang De Basanti Kites. आजकल हमारी फिल्म्स में विदेशी एक्ट्रेसेस का फैशन चल रहा है, इसलिए हैप्पी सिंह भी बना रहे हैं पंजाबी टाइटैनिक, और उसके लिए साइन किया है एक ऐसी विदेशी हीरोइन को जो हुस्न का एटम बॉम्ब है, रूप का ज्वालामुखी है। प्लीज वेलकम कपिल एज हैप्पी सिंह विद पार्वती एज विदेशी हीरोइंस। ठीक है, हाँ फिल्म की रिलीजिंग है अपनी शनिवार को, ठीक है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है क्या? कपड़े प्रेस करवा रही हो? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इतने प्रेस वाले आए कोई ना कोई कर देगा। हाँ जल्दी आओ डार्लिंग, तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है सब। हाँ सो लेडीज एंड जेंटलमैन, खासा बंद कर बे। लेडीज एंड जेंटलमैन,
प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हीरोइन ऑफ माय पंजाबी फिल्म जहाज मित्रा दा वन एंड ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां मिस हाइजीनिक जैक्सन मिस हाइजीनिक जैक्सन ऐसी हीरोइन साइन एक सेकंड मैडम आपका बच्चा क्यों रोने लगा ये कैमरे में से टेप क्यों बाहर निकल मैं पत्थर मारूं मेरा पैसा लगा हुआ है ए नीचे कर बेबी क्यों मानो कुछ नहीं उनको लगा हीरोइन आ रही तुम निकली चरस तो भटक रहे हैं वो खैर अर्चना जी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी अगली फिल्म की प्रमोशन के लिए यही आऊंगा अब इससे अगली क्या हो सकता है तुम हमारा मजाक उड़ाता है तुम अपनी शक्ल दिखा के लोगों के होश उड़ा सकती मैं मजाक भी ना उड़ाऊं वैसे अर्चना जी इसकी शक्ल पे मत जाइए बड़ी टैलेंटेड है ये अपने होठों से सारा सेट पेंट किया इसने बेबी मुझे सबसे मिलवाओ ना तुम्हारी वजह से लोग मुझे नहीं मिल रहे सबसे मिलवाओ ना खैर रोहित जी ये है मेरी अगली फिल्म की हीरोइन हाँ रोहित आने चक्रे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें उसकी फिल्मों में वैसे भी कॉमेडी होती ब्लैक कॉमेडी नहीं ये सब छोड़ो ना इनको ना हमारी फिल्म का नाम बताओ देखिए हमारी फिल्म का नाम है जहाज मित्रा दा ये एक्चुअली टाइटैनिक का पंजाबी वर्जन है वैसे अर्चना जी इस फिल्म को बनाने में मुझे काफी सारी प्रॉब्लम आई पहले तो हीरो नहीं मान रहा था कोई और जब मैंने हीरो बनाया तो ये मैडम मुकर गई तो मैं क्या करती अब तुमने छछुंदर को साइन किया था तो हम मुकरे गए ना छछुंदर नहीं सुरिंदर है वो और जैसी तुम्हारी शक्ल है ना उस हिसाब से वो भी टॉम क्रूज है अर्चना जी आपको पता है हीरो इसलिए भी नहीं मान रहा था क्योंकि फिल्म में टोटल 14 किसिंग सीन है और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था एक पप्पी तो हमने प्रेस जी से भी करवाई थी वो तो शुक्र है भगवान का मैं कैमरे के पास खड़ा था मैंने भाग के टांगे पकड़ के बाहर खींचा पूरे के पूरे मुंह में चले गए थे ये पुअर गाय इनको तो पप्पी करना भी नहीं आता है डार्लिंग ये मर्द जात है इनको सब कुछ आता है तुम्हारी शक्ल देख के मुकर जाता है इसको तो इमरान हाशमी भी दीदी बोल के पैर छू के गया है मैंने बड़ी मुश्किल से इमरान हाशमी को मनाया मैं पहली बार अपनी पंजाबी फिल्म में उसे हाफ स्लीव दाढ़ी के साथ लॉन्च कर रहा था हाफ स्लीव नहीं बेबी फ्रेंच कट फ्रेंच कट पहले किसिंग सीन में उसकी 250 ग्राम दाढ़ी खा गई है बड़ी आई हार के जब कोई नहीं माना था मैंने सारे किसिंग सीन स्टंट मैन से करवाए और आप यकीन नहीं करेंगे जब वो सीन चल रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था स्टंट मैन ये है कि वो है 14 किस चीज करनी थी उसने 5 की बोला सर बाकी ब्लू तो उससे भेज दूंगा मैं नहीं कर सकता 1 करोड़ मेरी फिल्म का बजट था 90 लाख चुम्मी लेने वाले का बिल बन गया उसने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लिए बाकी 10 लाख मैंने खर्चा किया हार के मुझे खुद हीरो बनना पड़ा वैसे अर्चना जी ये पहली हीरोइन है जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई थी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी फिल्म के अकॉर्डिंग तो हीरो को यानी तुमको मरना था तो तुमने हमको क्यों मार दिया मैंने नहीं मारा कंबख्त रात को शूट हो रहा था ये कंबख्त नजर ही नहीं आई नेवी वालों ने मुझे बचा लिया खैर मैं तो ये भूल ही गया कि मैं यहाँ पे फिल्म की प्रमोशन के लिए आया हूँ तो आप सबके लिए मैं चाहता हूँ कि फिल्म के कुछ बाथरूम सीन्स बेहतरीन सीन आपको दिखाऊं सो हैप्पी सिंह प्रोडक्शन प्रेजेंट्स वन एंड ओनली जहाज मित्रा दा सीन नंबर 1 हे जैक क्या तुम मेरी एक पेंटिंग बनाओगे पेंटिंग बना तो दूं मेरे पास काला रंग नहीं है एक सेकंड में कोयला फोड़ लूं जैक मैं वहां जाके लेट जाऊं लेट तो जाओगी खड़ा कोने में कौन करेगा बदतमीज खड़ी रहिए जैक मैं कैसे पोज में खड़े रहूं ऐसे या ऐसे तुम चाहे ऐसे ही खड़ी रहो चाहे ऐसे मोहम्मद कैफ कभी कैटरीना कैफ नहीं बन सकता खड़ी रह जैक मुझे देखकर पेंटिंग बनाओ ना नहीं देखना मुझे आइडिया है पहले भी मैं मलिंगा के पोस्टर कई बार बना चुका हूँ बन गई तुम्हारी पेंटिंग दिखाओ ना कल दिखाऊंगा आज नेगेटिव बना है कल पॉजिटिव बना के दिखाऊंगा दूसरा सीन देखें हैप्पी सिंह प्रोडक्शन प्रेजेंट्स सीन नंबर 2 हे जैक आओ ना मैं तुम्हें अपने बाहों में भरना चाहती हूँ डार्लिंग तुम रंग तो नहीं छोड़ती ना तुम्हें पता है पूरे इंडिया की भैंसों ने हड़ताल कर रखी है कहती हम नंगी घूम रही दीदी गाउन पहन के शूटिंग कर रही है जैक तुम अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी किया करो पेमेंट तो तुम भी उतनी लेती हो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहती हूँ आओ ना जहाज के आगे खड़ी हो जाए आगे गिर मत जाना मछलियां मर जाएंगी इधर आओ ना जाओ
ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता प्रेग्नेंट में एक सेकंड। रोज एक बात बताओ, ये तुम्हारा नाम रोज किसने रखा था? मेरी माँ ने। तेरी माँ का? एक बात बता रोज, तुम्हारा बाप जिंदा है? मर गया। मर गया? अच्छा हुआ, जिसने ऐसी गंदी हरकत की उसे मर ही जाना चाहिए था। अब तो मेरे लिए एक रोमांटिक सा गाना सुनाओ ना। कौन सा गाना? Every night in my dreams I see you, I feel you. रोज डार्लिंग, ये गाना तुम पे सूट नहीं करता है। मैं तुम्हारे लिए एक और गाना सुनाता हूँ, पंजाबी फिल्म है हमारी। ओ चिट्टा कुकड़ी बने रे ते ब्रह्म, चिट्टा कुकड़ी बने रे ते, आज मेरा दिल करदा नी मैं थुक दवा तेरे ते। ये गाना तुम्हारे लिए। जाके तो बहुत अच्छा गाना है, इसके लिए तो जजेस हमको स्टैंडिंग ओवेशन देगा। सिर्फ इधर वाला जज देगा, उधर वाला नहीं देगा। क्यों जैक? उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, नहीं यकीन तो देख लो। अर्चना, आप बनना चाहेंगे इनकी जहाज मित्रा दे का हिस्सा? I'd love to ride on this boat. This concept is very unique. And hats off ki you pulled it off. In the writing, I thought there was a lot of good stuff. And your performances were very, very, very good. Thank you. Rohit, aapko kya lagta hai? Naye punches sunne ko mile aur dekhne ko mile. Kapil, bahut acha perform karte ho aap. Parvati, bahut acha perform kiya aapne. Kaafi mehnat ki, but wo ek action pakad lete to aur maza aata. It was a nice act. I liked it. Thank you, sir. थैंक यू। तो जजेस अपने कमेंट्स के साथ फटाफट से अपने स्कोर्स भी ऐड कर दीजिए। अर्चना 9 पॉइंट्स, रोहित 9 पॉइंट्स, वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। क्वीन विक्टोरिया आई है वापस इंडिया की तरक्की देखने और उसे आज का इंडिया दिखा रहे हैं टिटो। प्लीज वेलकम सलोनी एज क्वीन एंड राजीव एज टिटो। हाय अर्चना। हेलो रोहित। हाउ डू यू डू सर इन सर? मैंने सुना कि तुम इंडिया में सबसे इंटेलिजेंट हो। बाकी सबने तो अपने दिमाग खर्च कर लिए, लेकिन तुमने अभी तक बचा के रखा है। सजे रही गली तेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में, सजे रही गोरी तेरी अम्मा। हाय 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 मर्द, कितने पैसे लगेंगे? कह रही है उठ बहन मर्द बन। बहन मैं हूं नहीं, मर्द मैं बन नहीं सकती। तुम हो कौन? अपनी इंट्रोडक्शन दो। नाम है मेरा टिड्डो। टिड्डो तुम? हाँ? तुम मुझे लेने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए? हाय हाय कैसे आती, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। तुम लोग बिना वीजा के हमारे देश में घूमते हो और अपने ही एयरपोर्ट पर आने के लिए पासपोर्ट देखते हो? You indisciplined people. डिसिप्लिन तो सिर्फ आपके देशों में है, आप लोग तो डकार भी मारते हो, तो ऐसे लगता है डकार नहीं मारा, डकार का सैंपल दिया इतना सा। और हमारे यहाँ आए हाय 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 VIP डकार मार दे, सामने वाले को 3 दिन का मेन्यू पता चल जाता है। तुम बताओ अब यहाँ क्या लूटने आई हो? मैं यहाँ लूटने नहीं आई, मैं यहाँ देखने आई हूँ कि इतने सालों में यहाँ पर क्या तरक्की हुई है, यू नो। 1 करोड़ छोड़ के गए थे हमने, दिन रात मेहनत करके 125 करोड़ कर दिए, कम है? इतनी पॉपुलेशन की वजह से ही तुम गरीबी में हो, जितने लोग तुम्हारे एक घर में रहते हैं उतने तो हमारे पूरे मोहल्ले में भी नहीं रहते, यू नो। कहाँ से रहेंगे, उन्हें दूसरों के मोहल्लों में फुर्सत हो घूमने से तब ना। तुम्हारी बीवियां किसी और मोहल्ले में घूमने गई होती हैं, मर्द किसी और मोहल्ले में घूमने गए होते हैं, घर खाली पड़े होते हैं। अर्चना बहन, हमारे यहाँ एक छोटे से कमरे में मियाँ बीवी के साथ 8 लोग सोते हैं, उसके बावजूद देश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। हमारे देश को ऐसे नहीं कहते, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया?
तुम्हारे यहाँ पिज्जा 30 मिनट्स में आता है और जब किसी का मर्डर होता है तो पुलिस 2.5 घंटे में। अरे ये तो सही बात है, लाश को ठंडे होने में 3-4 घंटे लगते हैं, पिज्जा तो 1/2 घंटे में ठंडा हो जाता है, वो पहले ही आएगा। तुम इंडियन पीपल बहुत लाउड होते हो, हमारे यहाँ देखो कोई किसी को गोली मारता है तो साइलेंसर लगा के मारता है, यू नो। और तुम्हारे यहाँ कोई किसी को कान में भी कहता है तो माइक लगा के कहता है। ओए प्रितो, तू डिपेंडेंटी सुरिंदर के साथ भाग गई हो। हाय हाय, शुक्र करो शुक्र करो, तुमने आम लोग देखे हैं, कहीं पार्लियामेंट में चले जाओ, वहां पहले माइक मारते हैं फिर बात बताते हैं। पहले फाड़ स्पीकर, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे देश में पावर है, पैसा है, साइंस है, तुम्हारे देश में क्या है? हमारे देश में आतंकवाद है, बेरोजगारी है, करप्शन है, तुम्हारे देश में है? लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में प्यार है, आपसी भाईचारा है, संस्कार है, और तुम तो कपड़े खोल के जीते हो ना, हम लोग दिल खोल के जीते हैं। तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। देख लो अर्चना बहन, जहाँ कमीज की बात करो इन्हें तमीज याद आ जाती है। क्या तमीज नहीं है, मैं दूध में चटनी डाल के पी जाती हूँ। Shut your mouth, you illiterate people. You shut your mouths. We are not illiterate. We are very, very educated people. We have spread education in the world because we have invented zero. We have invented decimal place. We are the oldest civilization, but still we have the latest technology. We have reached to the moon, but we still touched our parents' feet. We speak your language, but still we are English good. ये सिर्फ अभी एक आदमी इंडिया का ठीक हुआ है तो तुम्हारा ये हाल हो गया है, अगर सारे इंडियन ठीक हो गए तुम्हारे जैसे सारे देशों को तो थैंक यू। रोहित, मुझे एक्ट अच्छा लगा, बहुत स्मार्ट राइटिंग है, एक्शन रिएक्शन और जिस तरह से जवाब दिया गया है थ्रू राजीव, बहुत अच्छा था, थोड़ा सा और टाइमिंग बेहतर हो सकता था, अदरवाइज इट वॉज अ नाइस एक्ट। थैंक यू एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड। अर्चना, there were nice pockets of very nice humor, and I think, like I said, theme is very good, and this act was written very well. हल्का सा मुझे लगा कि अगर आप थोड़ा सा और रिहर्स्ड होते तो इसकी परफॉर्मेंस भी और बेहतर होती, टाइमिंग बेहतर होती, तो ये एक्ट और ऊंची उठ सकती थी, but all in all a nice act. The judges, अब स्कोर्स की बारी। 8 points. 8 points. 16 points. विलायती कपड़े, विलायती वॉच, विलायती फोन्स के बाद आजकल विलायती बहू का फैशन है, इसलिए लालू के बेटे ने भी पसंद की है बिल क्लिंटन की बेटी, जिसके रिश्ते के लिए हिलरी क्लिंटन मिलने आ रही हैं लालू से। प्लीज वेलकम परेश एज लालू एंड भारती एज हिलरी। ओ मम्मी मम्मी यो, ओ डैडी डैडी यो, हो जाओ रेडी जिससे हमार शादी होगी। आज हमने वो छोकरिया ढूंढ ली है। यो, कौन है वो? चिल्लू मॉम। चिल्लू? यो, ये कैसा नाम है चिल्लू? चेल्सी क्लिंटन मॉम, चेल्सी क्लिंटन। अमेरिका वाले बिलुआ की बिटिया? हाँ, बिलुआ की बिटिया और ये लल्लन का बिटुआ। यो, क्या हो? मॉम, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। बता जो लिव इन की बात की तो, अरे जाने तो शादी के 7 महीने तक लालू जी ने हमारे शकल तक ना ही देखा था। बट मॉम, आपने तो कहा था कि After 9 months I was born. अरे ना लायक सकल ही नहीं देखा था। हाँ, वो भी है ना, चेल्सी एक एक भारतीय नारी जैसी है। अरे क्या भारतीय नारी जैसी है? भारतीय नारी अपने मर्द के खाना खाने के बाद ही अन्न को हाथ लगाती है। तो मॉम, चेल्सी भी वही करती है। कहो। हाँ। हम खाना खा के सो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद आधी रात को क्लब से अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो वापस आती है और फिर खाना खाती है। अभी तो हार मुंह पे थपड़ाई दिए। भूल जाओ चिल्सी बिल्सी को। नो मॉम, मैं चिल्लू को नहीं भूल सकता। तू शादी करेगा? हाँ। हम भी देखते कैसन शादी होता है। आने दे उस हिलरी के बच्ची को, नाक में उंगली देके उल्टा ना कर दिया तो हमारा नाम भी राबड़ी नहीं, हट परे। मॉम, मॉम, अरे मॉम, इंटरनेशनल लव आप क्या समझेंगे?
Hello. So you've landed, auntie? Okay, okay. I'm sending someone. Okay, okay. Thank you. Daddy. Daddy, Hillary auntie आ गई हैं. Yeah, baby. Yeah. या मैं अभी लालू जी के घर लैंड किया. लालू जी का घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग एंड एनिमल्स दिख रहे हैं मेरे को. मुझे लगता है कोई पार्टी है और सब पार्टी एनिमल लग रहे हैं. या बेबी, मैंने स्कर्ट ही डाला हुआ है रोहित की शर्ट जैसा. या बेबी या ओ नहीं नहीं, मैं भैंस का आवाज नहीं निकाल रहा. आई थिंक लालू जी आ रहा है. इतना पतला लालू जी. हरि जी. या नमस्ते. नमस्ते. वाह, वाह का संस्कार है आपके. इतने साल बिलुआ के साथ रहने के बाद भी आप बहुत संस्कारी हैं. हम तो चौंधिया गए. थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट लालू जी. दोनों में से किसी एक को तो सुशील रहना पड़ेगा ना. बिल्कुल सही कहा आपने. हम भी राबरी से यही कहता हूँ. लास्ट वीक जॉर्ज बुश का कजन एंजेलिना आया था चेलसी का हाथ मांगने. अच्छा अच्छा, आपने बिटवा के लिए? नो, खुद अपने लिए. वो लेग स्पिनर है का? लेग स्पिनर नहीं लालू जी, लेस्बियन. वो दोनों सेम ही है. दोनों की डिलीवरी स्ट्रेट नहीं होती ना. ओ लालू जी, लेकिन चेलसी एकदम स्ट्रेट है. वो तो आपके उल्लू से प्यार करती है. उल्लू नहीं, तिल्लू नाम है उसका. ओ तिल्लू. आई एम सो सॉरी उल्लू, आई मीन लालू जी. तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? आप काहे शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? हाँ, आप समझिए कि हमारा पूरा परिवार चेलसी का हो गया. You are so sweet. हाँ. Cute. क्या कर दिया आपने? I'm so sorry लालू जी, मैं अपने इमोशन कंट्रोल में नहीं कर पाई. अब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. जी? Actually क्या है कि हमने आपको पहली बार राष्ट्रपति भवन में देखा था. बिलवा का हाथ थामे हुए. सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग लोक से मेनका चली आ रही है. इतने सालों से इतना प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं किया लालू जी. कैसे करते ना, अरे जब से रेल मिनिस्ट्री हाथ से गई है एक्सप्रेस पैसेंजर सभी चले गए हैं ना. ओ लालू जी, कितने लोनली हैं आप और कितने लवली हैं आप. ओ लालू जी. तो अर्चना, इतना काकड़िया लालू मैंने पहली बार देखा है. ढाई पसली नहीं लालू बनने चले. और इतनी हेल्दी और हिलेरियस हिलरी. यू नो दिस एक्ट कुड हैव बीन मच बेटर. थोड़ा आपका रिहर्सल मुझे थोड़ा नहीं बहुत कम लगा. अदरवाइज इट वाज स्टिल क्यूट एंड एंजॉयबल, बट आई विश इट कुड हैव गॉन टू दैट लेवल इट शुड हैव. रोहित, फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्ट वॉज वेरी गुड. सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से ह्यूमर जो रोमांस था ना कि मैंने इनको यहाँ देखा ये हुआ, उसमें एक ह्यूमर और आता. हिलेरियस अगर होता, फनी सिचुएशंस होती तो एक्ट घूम जाता. चलिए देखते हैं क्या स्कोर्स देते हैं. अर्चना 8 points. बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जी हाँ, इंडिया आज बहुत आगे बढ़ गया है और इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे वीआईपी को मार्स पर भेजा जा रहा है. लेकिन उसके साथ एक विदेशी भी दे दिया है, रशियन एस्ट्रोनॉट. अब मार्स का और उस विदेशी का क्या हाल होगा ये तो मालिक ही जाने. प्लीज वेलकम वीआईपी एज बाबू राव एंड सूरज एज रशियन एस्ट्रोनॉट. हाय रोहित. हाय अर्चना. लोग कहते कि मैं महासंग्राम के बाद मैं उड़ने लगा हूँ. अब आज ही देख लो, अच्छे मार्क्स लेने के लिए मुझे मार्क्स में जाना पड़ रहा है. नहीं समझे? समझाता हूँ.
अरे देवा अरे उड़ेगा नहीं तो पहुंचेगा कैसे? अरे इंडिया का मैं पहला मानुस है जो मंगल ग्रह पे जा रहा। मंगल ग्रह मालूम है तुम लोग को? अरे हाँ बोलने का तो मेरे को क्या करने का? हाँ अभी रॉकेट किधर? मेरा रॉकेट है चमाइल और रॉकेट इधर है। देवा मेरा रॉकेट का किक कौन चोरी किया रे? ये हाल कर चोरी करेगा? ये मालूम है तू चोर है, लेकिन मैं भी शाना है। हाँ मैं भी शाना है। अरे जो मेरा प्ले मेरा रॉकेट है ना वो सेल्फ से चालू होता है, सेल्फ से देखने का है कुछ। ये उड़ गया, ये उड़ा। अभी ऊपर पहुंच गया तो बाबा रिपोर्टिंग तो देना पड़ेगा मेरे को। हेलो हाँ मैं निक अरे मैं उड़ गया। अरे साथ में रोकड़ भी उड़ा रहे मेरे। ये yes, सर हम बहुत आगे आ चुके हैं। ओवा अरे कितना ओवर करेगा रे? अरे वाट नहीं, मेरे रॉकेट का वाट लगाएगा तू? हॉर्न बजाने का ना, नया रॉकेट लिया मैंने। तुम है कौन? मैं कल्लू। कलर नहीं पूछा, नाम पूछा। अच्छा माइला, मेरा नाम कल्लू है, मैं इंडिया से। वो इंडिया से होते ना वो क्या बोलते उसको, एक्स्ट्रा 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 एस्ट्रोनॉट। हाँ वही। कितना डिफिकल्ट स्क्रिप्ट लिखते रहिए लोग। हाँ चल वो छोड़, तू कौन है? माय नेम इज डियर रोल्स रॉयस ज़िनोबिया सेंडिटी फ्रॉम रशिया। तेरा स्क्रिप्ट तो बाबा मेरे से भी ज्यादा डेंजर है। ये बताओ कि तुम कहाँ जाता है? मैं नासिक अपना मौसी के घर पे जा रहा है। अरे हलकट, जब मैं रॉकेट में बैठा है तो किधर जाएगा? अरे कोई ग्रह पे जा रहा है, ग्रह पे। रॉकेट तुमको मिला कहाँ से? पिछले दिवाली का बच गया था। कौन से प्लेनेट पे जा रहा है तुम? अभी जो पहला पड़ेगा, जो पहला गिरेगा उधर अपना रॉकेट पार्किंग करेगा, चाय नाश्ता आंगुली बिंगुली करेगा। वो छोड़, तुम किधर जा रहे हैं? हम मार्स पे जा रहा है। ए, यो, उतर। नहीं उतर उतर उतर। हेलो, हम मार्स पे जा रहे हैं, मार्स पे। ये कौन सा जगह है? अरे ये मंगल है। उतर, तेरी तो उतर। रुको अरे ये तुम किधर उतारा है? ये मंगल ग्रह? अरे ये तो घटिया जगह, इधर बास आता है। मैंने छोड़ा है। हाय गॉड। हाँ ओह गॉड। अच्छा ए बाबा थोड़ा फोन देना मेरे को, मेरा प्रधानमंत्री से बात करने का। देना रे दे। प्रधानमंत्री हेलो। यस सर। अब मैं पहुंच गया एकदम मस्त में, राफ चिक चकाचक पहुंच गया। और एक मानुस है कोई गोरा चिट्टा छीले ला अंडा। ए तेरा नाम क्या रे? डियर रोल्स रॉयस ज़िनोबिया एसएनजी। सर अभी नाम रखा नहीं है। यस सर। हाँ हाँ ये हमारा साहब पूछ रहा है कि ऊपर से इंडिया दिखता कैसे। सर सारे जहाँ से अच्छा। अरे लेकिन इंडिया यहाँ से दिखता कहाँ है? ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है। हमारा इंडियन लोग बहुत इमोशनल होते, खुश हो जाएंगे। अभी और क्या बोलने का? यस सर मंगल ग्रह में पानी मिल गया सर। हेलो ये मेरा पानी है। ये हल्का ट्रुथ। जब तेरे को चांद पे पानी मिला था मेरा, तो तू क्या पूरे देश को बोला कि चांद पे पानी मिला, चांद को पानी मिला? हल्का अभी तो सब बोलते हैं कि तेरा पानी। कि डंडा का खिली लेके आया तुम? एक्चुअली क्या है ना, पहले जब मैं इधर आया ना तो झंडा लेके आया था, डंडा लाना भूल गया था। अभी डंडा लाया है, अभी गाड़ेगा, इधर गाड़ेगा। गाड़ो, गाड़ता क्यों नहीं गाड़ो। अभी डंडा लाया नहीं कि झंडा भूल गया।
तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ, तू रुक बस। अरे अपना ये रॉकेट तो लेके जाओ। रख तू रख। अरे हेलो। I will do the reporting. Sir, the Rolls Royce Zenobia Sinjiti speaking, sir. Sir, sir, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, sir. Yes, sir. कुछ नजर आ रहा है, sir. Oh, एक घोड़ा नजर आ रहा है, sir. एक Indian घोड़े के ऊपर आ रहा है. I'll report back, sir. अरे तबड़क 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 तबड़क। हेलो, ए तुम कौन है और तुम ये घोड़ा लेके इधर क्या कर रहा है मंगल पे? अरे खामोश, ये कोई मंगल या मंगल, मैं हूँ डाकू मंगल सिंह, और जिसे तुम मंगल ग्रह समझ रहा है वो मंगल ग्रह नहीं है बल्कि वो रेत का जंगल है, समझा? Oh God, वो इंडियन हमको उल्लू बनाया, मंगल बोल के जंगल में लाया। करेक्ट। अब मैं तुझे यहाँ पे लूटूंगा। लूटने के लिए तैयार हो जा। No, no। अरे लूटना ही है तो ये सब तो नकली है, लूटना है तो असली मास लूटो वहां से। अच्छा अर्चना, मुझे वाकई में लगा ये एक्ट उतना ही लंबा था जितना मार्स को जाने के लिए डिस्टेंस, और पंचेस की कमी महसूस हुई। यू नो पीक्स एंड वैलीज होती हैं एक एक्ट में, इसमें पीक्स कम और वैलीज ज़्यादा थी, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट। रोहित, यू फील द सेम वे? मोनोटोनस हो गया एक्ट, ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वही फुल टॉस हो गया और गड़बड़ हो गई आज। तो चलिए जजेस स्कोर्स की तरफ चलते हैं। 7 points. 7 points again. आज हर जोड़ी ने देसी स्टाइल में विदेशी तड़का लगाया। अब देखना है इनमें से कौन कौन खतरे में आया। देखना है कि जजेस और ऑडियंस स्कोर्स मिलाकर कौन सी दो जोड़ियां हैं बॉटम में। और आज की पहली बॉटम जोड़ी है सूरज और वीआईपी, और आज की दूसरी बॉटम जोड़ी है परेश और भारती। तो अब बारी है ये जानने की कि जूरी और स्टूडियो ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर कौन आज सेफ है और कौन आज ये मंच छोड़कर जाने वाला है। परेश भारती, जूरी और स्टूडियो ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर आपको मिलते हैं 24 points। सूरज वीआईपी, जजेस और ऑडियंस के स्कोर्स को मिलाकर आपको मिलते हैं 21 points। तो परेश और भारती, आप सेफ हैं, आप प्लीज अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर परेश और भारती के लिए। अफसोस वीआईपी सूरज, आज आपको हमारा साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। ले ले देवा, ले ले, तू भी दे देवा। तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो भी मैंने किया जिंदगी में पहली बार ही किया, सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी, थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपनी आवाज़ में बहुत कम बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।